राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी नगर निगम एवं नगर पालिका के चुनाव हेतु वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन कराए जाने की जानकारी पर आप पार्टी के पदाधिकारियों ने वार्डों की सीमा क्षेत्र का नगरी नक्शा बनाए जाने में किसी तरह का भेदभाव न कर सही परिसीमन करने की मांग लेकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले नगर निगम के वार्डों का परिसीमन होने वाला है। इसमें भिलाई निगम के 70 और दुर्ग नगर निगम के 60 वार्ड किसी न किसी तरह प्रभावित होंगे। भिलाई में वार्ड तो 70 ही रहेंगे, लेकिन भौगोलिक स्थिति और आबादी बदल जाएगी। वहीं दुर्ग में 3 से 5 वार्ड बढ़ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ पुराने वार्डों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो वहीं कुछ नए बनाए जाएंगे, जिसमें आबादी के आधार पर वार्डों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर होने वाले परिसीमन में किसी भी तरह से भेदभाव न कर नजरी नक्शा की मदद से सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को विश्वास में लेकर परिसीमन किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी दुर्ग टीम ने दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल, उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश RTI विंग अध्यक्ष मेहरबान सिंह के नेतृत्व में दुर्ग परिसीमन अधिकारी को वार्ड परिसीमन के विषय पर ज्ञापन सौंपा। इस मामले में संजय सिंह ने कहा कि वार्ड परिसीमन के लिए राजस्व अधिकारी नगर पालिका निगम दुर्ग अनुविभागीय अधिकारी मुकेश रावटे को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के सदस्य इस विषय को लेकर ज्ञापन दिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी नगर निगम एवं नगर पालिका के चुनाव हेतु वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन बराबर बराबर किए जाने के निर्देश है, उसका पालन हो। वही मेहरबान सिंह ने माननीय मुकेश रावटे से अनुरोध किया है कि पूर्व में हुए नगर निगम के निर्वाचन वर्ष 2019 के समय किए गए परिसीमन में बहुत सारी विसंगतियां देखी गई है। बिना स्थल निरीक्षण एवं सही ढंग से वार्डों की सीमा क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाए जाने में भेदभाव पूर्वक सीमांकन कर सत्ता पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिए सीमांकन कर दिया गया था और चुनाव कर दिया गया। हमें उम्मीद है कि आप जैसे योग्य एवं अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के मार्गदर्शन में विधि अनुसार बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्ग निगम का परिसीमन होगा। आम आदमी पार्टी वर्तमान में जो दुर्ग नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं उसके परिसीमन के विषय को लेकर के आई थी। अधिकतर ये देखा गया है कि राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए वार्डों का जो परिसीमन करते हैं वो विधि विरुद्ध अपने लाभ के लिए करते हैं, कराते हैं, अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। आप पिछला वार्ड परिसीमन देखेंगे तो जो दुर्ग जिला की जनसंख्या है 3,80,000 और सभी वार्डों के मतदाताओं की संख्या वार्डों में बराबर बराबर होनी चाहिए, लेकिन सब अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। किसी वार्ड की जनसंख्या 7,000-8,000 है, किसी वार्ड की जनसंख्या 3,000 है। तो हाँ महोदय, बताइए किस विषय को लेकर आप यहाँ कलेक्ट्रेट आए थे? आज दुर्ग आम आदमी पार्टी लोकसभा के दुर्ग लोकसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल जी के नेतृत्व में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दुर्ग SDM और परिसीमन अधिकारी मुकेश रावटे जी से मिलने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे थे। हम लोगों ने आज एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है और उस ज्ञापन में हमारा ये कहना है कि पूर्व में जो चुनाव हुए नगरी निकाय के और दुर्ग के, वो जो उस समय वर्ष 2014 में जो परिसीमन हुआ वो उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत सारे वार्डों में परिसीमन किसी भी बिना कोई आधार के कर दिया गया। हमारा ये कहना है कि आगामी नवंबर दिसंबर में जो नगरी निकाय के चुनाव होने हैं उसमें जो परिसीमन के लिए रावटे जी जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनसे मिलकर हम लोग ये चाहते हैं कि दुर्ग नगर निगम में जो 3,80,000 की जनसंख्या है उसे बराबर की संख्या में बांट कर और वार्डों में यदि बढ़ोतरी की आवश्यकता है तो बढ़ोतरी करके और राजनीतिक दल, पार्षद, पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधि, तमाम लोगों को विश्वास में लेकर क्षेत्र का सीमा क्षेत्र स्पष्ट करते हुए नजरी नक्शा बनाकर बिना भेदभाव किए परिसीमन किया जाए और जिससे दुर्ग के विकास की होने आने आने वाले समय में दुर्ग का विकास अच्छे से हो सके। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।